ये कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज कैंपस की है। मानो या ना मानो, लेकिन इस कैंपस में मुझे भूत प्रेत की कई सारे किस्से सुन मिल रही है। ऐसे ही एक घटना के बारे में आज आपको बताता हूँ। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 90 को एक छात्र ने कुछ बताते कुछ दिनों से पहले एक रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक एक भयानक आवाज़ की सुनाई देने लगी और उसी आवाज़ को करने में आग उठा और मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कोई हवा के कारण खिड़की दरवाजा आवाज कर रही है। वहीं पर मुझे रूम के किसी भी चलने की आवाज़ सुनाई दी और साथ में वही महसूस हुआ कोई अपने नाखून खिड़की से घिस रहा है। जब मैंने दूसरे दिन ये बात की, मालूम पड़ा 9 साल पहले एक छात्रा और मैंने आत्महत्या की थी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी के रूम में घूम रही है और इस बात की पुष्टि कोई छात्री ने की है। ऐसा ही एक दूसरी घटना है। ये घटना सन 1999 का है, उसी हॉस्टल की है और ये बात की जानकारी उसी कॉलेज की एक ग्रुप छात्र ने बनाई थी। अभिजीत करके एक विद्यार्थी उसे एक कुत्ते की अपने रूम में पाल रहा था, लेकिन कुछ कारण से उस कुत्ते की मौत हो गई। अभिजीत उस कुत्ते को लेकर पास जंगल में दफनाने के लिए गया था, वापस आकर अपने रूम में आकर सो गया, फिर कभी उठा ही नहीं है। अभिजीत की मौत कैसे हुई आज भी ये रहस्य है। ऐसे ही एक रहस्य घटना के कारण उस कॉलेज की छात्री डर बैठ गई और ऐसी की और ऐसे ही अन्य घटनाएं इस कॉलेज में बार बार होते रहती है।